एथेनॉल से जुड़ी एक काफी ज्यादा बुरी खबर हमारे सामने निकल कर आ रही है, जहां एक तरफ तो सरकार चाह रही है कि देश के अंदर जो एथेनॉल का उत्पादन है वो बढ़ाया जाए ताकि भारत की जो निर्भरता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर वो कम हो सके। इसलिए नितिन गडकरी जी ने एक आइडिया सामने रखा था सरकार के, जिसमें भारत एथेनॉल को गन्ने के सिरप से बनाएगा, लेकिन भारत ने अचानक से गन्ने के सिरप से बनने वाला एथेनॉल पर बैन लगा दिया है। लेकिन अब शुगर केन के बदले सरकार एक नए सॉल्यूशन को लेकर सामने आई है, जिसमें भारत मक्के से एथेनॉल को प्रोड्यूस करने वाला है। तो सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना ध्यान से। तो भारत को पता है कि जो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब उनका मन करता है बढ़ा देते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, जिससे भारत जैसी जो मार्केट है वहाँ पे पेट्रोल के दाम काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी थी, जिससे दो फायदे होते हैं। एक तो जो हमारा एनवायरमेंट है वो खराब नहीं होता क्योंकि एथेनॉल एक बायोफ्यूल है। दूसरा, जो हमारी निर्भरता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पर वो भी काफी ज्यादा कम होती जा रही है। लेकिन हाल ही में भारत को आशंका हुई कि जो चीन है वो इस साल एथेनॉल का प्रोडक्शन काफी कम करने वाला है, तो भारत सरकार ने इसी पर एक नया प्लान बना लिया जिससे जो हमारे किसान है उन्हें भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। अब सरकार इस बार जो मक्के से एथेनॉल को बनाने को बढ़ावा देगी और ये बात की जानकारी हमारे जो फूड सेक्रेटरी है उन्होंने दी थी। दरअसल सरकार एथेनॉल की सप्लाई को बढ़ाना चाहता है, लेकिन चीनी के उत्पादन में कमी की आशंका भी सरकार को भा रही थी और इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम एक फसल पर निर्भर नहीं रहना चाहते। वहीं उम्मीद तो ये भी है कि इस फैसले से जो मक्के के किसान है उनकी कमाई के नए रास्ते भी खुलेंगे, क्योंकि सरकार की योजना के अनुसार मक्के से एथेनॉल को बढ़ावा तो दिया ही जाएगा, साथ ही जो एथेनॉल प्लांट्स होंगे उनको भी सस्ते दामों पर मक्का भी दिया जाएगा और जो गन्ने के सिरप से एथेनॉल बनता है उसकी भी चेकिंग हर महीने होगी। क्या हम गन्ने से अपनी पूरी खपत है एथेनॉल की उसे पूरा कर भी पा रहे हैं या फिर नहीं, या फिर हमें और भी ज्यादा फसलों का यूज लाना पड़ेगा। जो एग्री एक्सपर्ट्स हैं वो पहले से ही वो कौन एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहे थे, उनके मुताबिक मक्के के इस्तेमाल को बढ़ावा देने से न केवल किसानों की एक्स्ट्रा इनकम है वो तो होगी ही, वहीं एथेनॉल चावल जैसी जो फसलें हैं उससे भी काफी ज्यादा सस्ती साबित होंगी, क्योंकि सरकार का मानना है कि 2030 तक 20% एथेनॉल का टारगेट वो अचीव कर लेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार जो एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल हमें देती है वो सही है या फिर नहीं, कमेंट में मुझे जरूर बताना। और हाँ यार, इस वीडियो को जाते जाते लाइक तो कर ही देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।